अचानक से पत्नी धड़धड़ाते हुए कमरे में पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि वो एक साथ तो रहने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इनकी मां को बुलाया जाए, इनकी जो मां है वो ये लिख करके दे कि वो ये केस उठा देगी, तो तभी इन दोनों के बीच में समझौता हो सकता है, वरना नहीं होगा किसी भी हालत में। जब भी आप पति और पत्नी के बीच में केसेस शुरू होते हैं तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज सामने निकल करके आते हैं, जिनकी वजह से गाहे बेगाहे कोई ना कोई केस फाइल किया जाता है परिवार के सदस्यों के द्वारा भी। मान लेते हैं कि वो मकान जिसमें पति और पत्नी रह रहे थे वो मकान सास के नाम पर है, और क्योंकि सास अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है कि वो परेशान हो गई है और उसने कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया उस घर को बहू के द्वारा खाली करने का। इधर जो बहू है उसने अपने पति पर केस किए हुए हैं 498A, घरेलू हिंसा 125 इत्यादि के केसेस फाइल किए हुए हैं। ये केस पहुंचता है समझौता केंद्र में, और समझौता केंद्र में पत्नी और पति के बीच में समझौता हो ही रहा था कि पत्नी यहां जिद ठान लेती है और ये कहने लगती है कि अगर उनकी सासू मां ने वो केस जो उन पर मकान खाली करने का किया है वो अगर उठा लेंगी तभी जाकर के ये पति और पत्नी के बीच में समझौता होगा, वरना बिल्कुल नहीं का। और वहां दूसरी तरफ पति को समझ में नहीं आता अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा, इस तरह की रस्साकशी अक्सर केसेस में देखने को मिलती है, जब एक पार्टी जबरदस्ती जिद कर लेती है कि फला फला केस अगर उठाया जाएगा तभी वो समझौते पर साइन करेंगे, चाहे उनकी जिंदगी ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, वो उस समय उस पर बात करना पसंद नहीं किया करते। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जो मेन डिस्प्यूट था, यानी कि जो मुख्य लड़ाई थी पति और पत्नी के बीच में, उसमें उन दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग केसेस किए थे। मान लेते हैं पति ने तलाक का केस किया हुआ था अपनी पत्नी के विरुद्ध, और पत्नी ने 498A, 125 और घरेलू हिंसा का केस किया था। वहीं पर जो पति है उसकी माताजी ने इस मकान को खाली करने के लिए एक कोर्ट में केस फाइल कर रखा था कि बहू उनका ये मकान खाली करे, जिस पर उसने जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो जो मकान था वो इस पति की माताजी के नाम पे था। इस केस को कर देते हैं साइड में। घरेलू हिंसा का केस पहुंचता है मध्यस्थता केंद्र के सामने, और वहां पर ये पति और पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है मीडिएटर साहब की इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि मीडिएटर साहब दोनों पक्षों को अच्छी तरह से समझाते हैं, उनकी उम्र के बारे में बताते हैं कि उनकी क्या उम्र है, क्या अनुभव है, किस केस को करने से कितना फायदा या कितना नुकसान उसको खुद को होगा या दूसरे को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, इसमें आपके समय की भी बर्बादी है, इसमें आपके पैसे की बर्बादी है, और सबसे ज्यादा आपका जो शांति है उसकी बर्बादी है, यानी आप स्ट्रेस लेवल आपका हाई धीरे धीरे होता चला जाएगा। और क्योंकि इन दोनों की छोटी उम्र थी और मीडिएटर साहब ने इतने प्रेम पूर्वक इनको समझाया कि इनको बात समझ में आ गई, और इन्होंने अपने सारे डिस्प्यूट्स को खत्म करते हुए सारे केसेस को इन्होंने मान लिया कि खत्म कर देंगे और एक साथ रहना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, जो देखने में आता बहुत कम है, लेकिन मीडिएटर साहब की हेल्प से ऐसा संभव हो पाया और दोनों पति पत्नी एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों के जो सेटलमेंट डीड है उसको टाइप करने के लिए टाइपिस्ट महोदय के पास भेज दिया जाता है, लेकिन अचानक से पत्नी धड़धड़ाते हुए कमरे में पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि वो एक साथ तो रहने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इनकी मां को बुलाया जाए, इनकी जो मां है वो ये लिख करके दे कि वो ये केस उठा देगी, तो तभी इन दोनों के बीच में समझौता हो सकता है, वरना नहीं होगा किसी भी हालत में।
ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ गई। पति और पत्नी दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार है, उनका एक खुशनुमा प्यारा सा भविष्य इंतजार कर रहा है, और कहां पत्नी के मन में ये कैसी अजीब सी बात आ गई। यहां पर मीडिएटर महोदय ने बहुत ही प्रेम पूर्वक दोनों की बात को सुना, उनको बिठाया, पानी पीने के लिए कहा, शांति से बातचीत करने के लिए कहा, और उसके बाद पूछा उन्होंने पत्नी से कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना स्वीकार कर लिया है, आपने अपनी मर्जी से इस बात को स्वीकार किया है, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी ने कोई लालच नहीं दिया, कोई धोखा नहीं हो रहा, आप अलग रहना चाहती है ना, अलग घर में, किराए के घर में। तो पत्नी ने कहा जी हाँ, मैं अपने पति के साथ आगे घर बसाना चाहती हूँ और किराए के घर पर ही हम दोनों अपना जीवन आगे व्यतीत करना चाहेंगे। यहाँ पर मीडिएटर साहब की बहुत अच्छी भूमिका रही। ये आप सभी को भी ध्यान रखना है कि हम जिद में जब आते हैं या हम एक चीज की रट जब लगाने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा करूंगी, हमें इस चीज से दूर हटना होगा। आप ये बात सोच करके रखिए कि आपकी सासू माँ ने जो केस फाइल किया था वो ये कहती है कि ये मकान आप बहू खाली कर दें, वहीं पर जब बेटा और बहू ने एक साथ रहना किराए के घर पर शुरू कर दिया तो उस चीज से क्यों डर रही है वो तो खुद ही कह रही है, वो पत्नी या बीवी जो है, या यूं कहें कि वो जो उस सास की बहू है, उन्होंने खुद ही ये बात कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने पति के साथ अलग किराए के घर पर रहूंगी। तो फिर किस लिए वो डर रही है, क्योंकि जो सासू माँ है उनको घर से बाहर निकालेंगी, वो तो खुद ही स्वीकार कर चुकी है कि वो अलग से मकान किराए पर लेकर के और साथ रहना शुरू की। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बातों बातों में पता चला कि वो अब अपने मायके में रहती हैं, तो वो जो केस का स्टेटस है वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो यहां पर सासू माँ अगर अपना केस वापस नहीं लेती हैं उसके बाद भी वो एक तरह से जीत गई हैं, क्योंकि उनका जो असली मकसद था उस केस को फाइल करने का कि ये मकान खाली हो जाए, उनकी बहू अपने घर चला जाए इस मकान को छोड़ करके, और ऐसा हो गया बिना किसी केस को लड़े हुए, बिना कुछ कहे हुए, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए। और यही ब्यूटिफिकेशन है मीडिएशन की। मीडिएशन में आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो कि आपस में आपका जी का जंजाल बनी हुई है, उन सब चीजों को आप बहुत प्यार पूर्वक निपटा सकते हो, जैसा कि इस केस में भी हुआ। बहू की रट, बहू की जिद कि मैं जब तक इस मकान को, या जब तक मेरा पति, या जब तक मेरी सास इस केस को वापस नहीं लेगी, मैं तब तक ये मकान नहीं खाली करूंगी, या मैं तब तक अपने पति के साथ घर नहीं बसाऊंगी। ये जो रट थी उनकी वो खत्म हो जाती है, और जो उनकी सासू माँ है बिना केस को वापस लिए, बिना केस को लड़े, वो बहुत ही प्यार से अपने केस को जीत जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बात भलीभांति पता चल गई होगी कि जब हम जिद किया करते हैं, जब हम किसी बात की रट लगाते हैं, जब अनर्गल बात हम बात बार 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 कहते हैं, तो उस समय पर हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज की हम जिद लगा रहे हैं, जिस चीज की हम रट लगा रहे हैं, जिस चीज के लिए हम बहस कर रहे हैं, क्या उसका कोई औचित्य भी है, जैसा इस केस में हुआ। और यही अक्सर आप लोग कोर्ट में भी किया करते हैं, आप अनर्गल बहस करने लगते हैं, आप अनर्गल बातों की जिद करने लगते हैं, रट लगाने लगते हैं, जबकि आप ये नहीं समझते कि जो आप जिद लगा रहे हैं, जिस बात की आप रट लगा रहे हैं, उसका कानूनी कोई औचित्य ही नहीं है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही सोचना और समझना होगा कि जब भी आपके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो आपने अपने इमोशंस के साथ साथ अपने दिमाग का प्रयोग भी बहुत जरूरी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी किसी बात की जिद लगा लें जो कि कानूनी संभव ही ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।